मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जून में 20 तारीख को मध्य प्रदेश में मॉनसून ने एंट्री ली थी और अब अगस्त की 5 तारीख से दिन आगे बढ़ चुका है और अब तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली है। कई जगहों पर हालात ऐसे रहे कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दी, पुलों के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। बाढ़ के चलते कई जगहों पर जनहानि की भी खबरें आई हैं। लेकिन अब तक मॉनसून कैसा रहा, कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश और कौन सा ऐसा जिला है जो बारिश के मामले में पीछे रह गया, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पर बादल गरज रहे हैं तो कहीं पर बरस रहे हैं। हालात ये हैं कि अब मध्य प्रदेश में सभी नदियां उफान पर हैं और कुछ दिन की बारिश के बाद खतरे के निशान पर भी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बांधों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी छोटे या बड़े बांध खुल चुके हैं, चाहे वो बरगी बांध हो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद भदभदा बांध हो या फिर तवा डैम हो, सभी के गेट्स खुल चुके हैं। छोटे बांधों का भी यही हाल है। नदी नाले पहले से उफान पर चल रहे हैं और अब लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है मंडला जिले में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर 6 अगस्त 2024 तक 20% से भी अधिक बारिश हो चुकी है। अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो एवरेज से 17% अधिक बारिश हुई है। वहीं अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो एवरेज से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश किन जिलों में हुई है वो भी आपको बता देते हैं। मंडला में 83.2 mm बारिश हुई है, सिवनी में 44 mm बारिश हुई है, डिंडोरी में 32.2 mm और बालाघाट में 27.2 mm। कुल मिलाकर महाकौशल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश इस बार मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। वहीं अगर कम बारिश की बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस बार कम बारिश देखने को मिली है। ग्वालियर में 9.1 mm बारिश हुई है, उज्जैन में 9 mm, भोपाल में 7 mm, वहीं गुना और धार में भी 5 mm बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग लगातार अनुमान जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले दिन में एक बार फिर मॉनसून के एक्टिवेट होने के साथ मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। तब क्या चंबल क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और तमाम जगहों पर सुरक्षित लोग रहें इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।